हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4C कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन के बारे में अपने को दिया हुआ है। सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल हैं वो अपने को बताया गया है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे बुक में दिया हुआ है उसके अलावा भी एक और रूल होता है, ठीक। ये बुक में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करने वाला रूल दिया हुआ है और एक सिंपल रूल होता है। मैं दोनों रूल आपको समझा दूंगा, आपको अगर जो भी ईजी लगे जो रूल, आप उस रूल से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सॉल्वेशन है ना स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या बोला, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करना है 18 फ्रॉम -34। -34 में से अपने को 18 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए आपको बताता हूँ इसको दोनों तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है, 18 अपने को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -34। ओके, तो अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले तो बुक वाले मेथड से मैं आपको पहले सब्ट्रैक्ट करना बता देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको जो सिंपल मेथड है वो भी आपको मैं बता दूंगा इसी क्वेश्चन में। तो आपको जो भी ईजी लगे फिर आप नेक्स्ट वाले सभी क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, लिखेंगे हम कैसे इनको, 34 में 18 माइनस करना है इसलिए -34 पहले लिखेंगे, -18 कर देंगे, ठीक। अब देखिए, बुक में अपने को जो रूल दिया है उसके हिसाब से क्या होता है ना, कि जब किसी भी नंबर को अपने को सब्ट्रैक्ट करना रहता है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट ना करके उस नंबर के नेगेटिव को, यानी उस नंबर जो दिया हुआ है ना उसके अपोजिट को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा सेम आंसर आ जाता है। तो आंसर तो सेम आता है लेकिन कहीं जगह पर वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। जैसे कैसे होगा, है ना, 18 का जो हमारा नेगेटिव होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 18, 18 का नेगेटिव क्या होगा, -18 होगा, ठीक है। वैसे अगर -18 रहता ना तो -18 का नेगेटिव 18 हो जाता, अगर अपने को -18 दे रहता तो उसका नेगेटिव 18 हो जाता। यहाँ पे हमारे पास 18 है ना, ये माइनस तो अपने को सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए मैंने लगाया है, ये -18 नहीं है, ये 18 जो यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो बुक वाले रूल के हिसाब से आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको -34 प्लस -18 इस टाइप से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्लियर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अब हम जानते ही हैं कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, और उनको जब हमको ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, जो हमारा आंसर आता है उसमें हम पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। जब दोनों जो इंटेजर्स हैं, टू इंटेजर्स जो है हमारे पास, अगर वो नेगेटिव में है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में होगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा देंगे और इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे। तो 4 और 8 हमारा 12 का 2 हो गया, कैरी हो गया 1 1 1 2, और 3 हमारा 5 हो गया, यानी -52 हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ा, एक दिमाग लगाना पड़ा कि नेगेटिव क्या होता है इसका, और फिर उसको हमको ऐड करना पड़ा। अब दूसरा मेथड क्या होता है उसको जानने के लिए आपको बस 4P रूल याद करने हैं। क्या रूल याद करने हैं, 4 रूल याद करने हैं। अगर आपके पास माइनस और माइनस हो तो आप उसको क्या कीजिएगा, हमेशा प्लस कीजिएगा, यानी उन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिएगा, ठीक है। उसी टाइप से अगर आपके पास प्लस और दूसरा नंबर भी जो हो प्लस में हो तो उसको भी आपको हमेशा प्लस करना है। उसके बाद अगर आपके पास दो अलग अलग नंबर्स हो, यानी कि एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, तो उसको आपको माइनस करना है। और अगर एक नंबर माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, यानी कि दोनों की बात है ना, ये वाला सेम बात है कि बस मतलब अपोजिट साइन वाले नंबर हों तो उनको आपको माइनस करना है, अगर सेम साइन वाले नंबर हों तो उनको प्लस कीजिएगा, और अगर अपोजिट साइन वाले नंबर्स हों तो उनको माइनस करना है। बस ये वाला रूल आपको याद होना चाहिए, अगर ये रूल आपको याद हो गया फिर आप आसानी से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी रूल के हिसाब से इस नंबर को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ पर हमारे पास 34 से माइनस करना था 18, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आपके पास ये 18 माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस क्या होता है, हमारा प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे जानते हैं प्लस करने के बाद कितना आएगा, 52 आएगा। और हम एक और चीज़ क्या जानते हैं कि जब जो भी बड़े नंबर पर साइन रहता है वही साइन अपने को लगाना है, तो यहाँ पर हम बड़े नंबर 34 में माइनस का साइन था तो हम माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारा एक ही लाइन में आंसर आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या था, अपने को नेगेटिव उसका पता करना था और फिर ऐड करना था। ये रूल आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। रूल क्या दिया हुआ है आपके बुक में, बुक का पेज नंबर कौन सा देखेंगे, पेज नंबर आपका है 69। अगर आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू 69 पेज नंबर के रूल के हिसाब से, उसमें ए माइनस बी आपका दिया हुआ है कि आप ए में से बी को माइनस मत कीजिए, आप क्या कीजिए, ए में से बी को है ना प्लस कर दीजिए, बी के मतलब माइनस को आप प्लस कर दीजिए, यानी जो बी दिया है ना उसको आप माइनस ना करके उसके अपोजिट को, उसके नेगेटिव को आप प्लस कर दीजिए नंबर में, तो आपका आंसर सेम आएगा। तो अब देखिए, आपको जो लगी इजी लगी मेथड
है ना, आपको अगर ये इजी लगता है तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए, अगर आपको डायरेक्ट वाला इजी लगता है तो डायरेक्ट वाले मेथड से सॉल्व कीजिए, है ना। डायरेक्ट वाला इसलिए आपके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के भी आपको ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी लगेगा और आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, तो वहाँ पर जब आप इस टाइप से कीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है। इसलिए आप इस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से मेथड यूज़ करके सॉल्व कीजिए। क्लियर। अब चलिए मैं बड़ा नंबर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे कि है हमारे पास 8, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 है, जिसमें हमारे पास अपने को सब्ट्रैक्ट करना है -200 2768, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम -287, यानी -287 से अपने को इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे कैसे, -287 माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट करना इसलिए माइनस का सिंबल, और फिर -2768। क्लियर। इस टाइप से पहले आप लिख लीजिए। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, अगर आप सिंपल वाले इसके वाले, है ना, बुक वाले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप माइनस को हटा के प्लस कीजिएगा और फिर ये वाला को आपको प्लस में चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट 2768 जो होगा वही इसका अपोजिट होगा, वो बस यहाँ नेगेटिव में तो वो पॉजिटिव में होगा। और लास्ट में आपको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अच्छा है हम डायरेक्ट यही रूल फॉलो करते हैं, और क्या हम जानते हैं कि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस मिल के क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। बताया ना आपको मैंने, माइनस और माइनस मिल के प्लस होता है, तो वैसे ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो ये -287 और ये प्लस 2768। देखिए ये जो रूल है ना, ये रूल यहीं से निकला है, समझे, या फिर आप इस रूल को कह लीजिए यहाँ से निकला है, दोनों बस कान को आप इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, बात सेम ही है। ठीक, तो अगर आप इस वाले रूल से भी अगर आप सॉल्व करते तो बस एक लाइन आपको और ऐड करना पड़ता है और लास्ट में आप यही लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको इसी टाइप से लिख लेते हैं। अब हम क्या जानते हैं, फिर से देखिए वही रूल फॉलो करना पड़ेगा अपने को, कि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, और माइनस और प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, यानी अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर, यानी इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर को। ठीक, तो 8 में से 7 माइनस हुआ तो 1 आ गया हमारा आंसर, 6 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, ये कैरी लेकर के 16 हो जाएगा, 16 में से 8 माइनस हुआ तो 8, अब ये 7 का यहाँ पे क्या बच गया, 6 बच गया, 6 में से 2 माइनस हुआ तो हमारा आ गया 4, और ये 2 के नीचे 2 से डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो ये 2 रह जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो ये आंसर आया है हमारा 2481, ये बड़े वाले नंबर पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव हमको नहीं करना है। क्लियर, यानी कि जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2481 आएगा। क्लियर हुआ, तो आप इसी रूल से डायरेक्ट सॉल्व करना सीख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी इसी टाइप से, थोड़ा सा उसमें अलग है, जैसे इसमें दोनों नंबर्स नेगेटिव थे उसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक, मैं तीनों अलग अलग क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया हूँ, फर्स्ट वाला भी, से 8 वाला भी और 10 वाला भी, ताकि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ ना हो दोबारा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, इसमें हमने बोला है कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 6250, यानी 6250 में से अपने को इतना को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिख लेंगे हम 6250 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कितना, -3012। ठीक है, -3012 को अपने को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। रूल हम जानते हैं क्या है, माइनस और माइनस मिल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 6250 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस 3012, तो हमारा जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद आसानी से आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 और 0 हमारा 2, 1 और 5 हो जाएगा 6, 0 और 2 हो जाएगा 2, 6 और 3 9, यानी 9252 हमारा आंसर निकल गया। लेकिन ईजी है ना ये वाला, तो इस वाले मेथड से आप ये वाले को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा या माइंड में फिट कर सकते हैं, कि सेम जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव प्लस करना रहता है उनको, और माइनस माइनस वाले जो अलग अलग डिफरेंट साइन वाले नंबर होते हैं उनको माइनस करना रहता है। ठीक है, और जो आंसर आता है उसमें आपको साइन कौन सा लगाना है, जो बड़े नंबर पर जो साइन है वही आपको साइन आंसर पर लगाना है। अगर बड़े नंबर पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए, बड़े नंबर पर अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए। ठीक है, माइनस प्लस करने के बाद। क्लियर, तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड सॉल्व करते हैं अपना, थोड़ा सा यहाँ पे ये 5 और 1 हमारा 6 हो रहा था, मैंने यहाँ 5 ही लिख दिया है ना,
तो ये 5/1 हमारा 6 हो गया, यानी कि 9262 हमारा आंसर है। क्लियर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -3, यानी कि अपने को इनका जो सम निकलेगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है -23 में से, यानी पहले इन दोनों को हमको ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा ना उसको अपने को माइनस कर देना है -23 से। क्लियर। तो चलिए मैं आपको, और ये वाला 3 वाला भी सेम क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना और इतना, यानी इसके सम को और इसके सम को अपने को पहले सम निकालना है दोनों का, और फिर है ना आपस में इसके सम को मतलब इस वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर। जैसे यहाँ पे हमारा था ना सब फ्रॉम, तो पहले हम इस नंबर को लिख रहे थे बाद में इस नंबर को लिख रहे थे, वैसे यहाँ पे भी पहले आप जब इसका सम निकाल लीजिएगा ना तो पहले -23 लिखिएगा, फिर माइनस करके इसके सम को लिखिएगा। क्लियर। वैसे यहाँ पे भी हम, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा लिख रहा है, 2 के बनेगा दोनों सेम, बस ये थोड़ा बड़ा है तो मैं चाहूँगा कि बड़े वाले को बता दूँ ताकि आप इजी वाले को आसानी से सॉल्व कर लें। पहले तो हम जो पहला पेयर दिया हुआ है नंबर्स का उसका सम निकाल लेंगे, फिर सेकेंड वाले नंबर का पेयर निकाल लेंगे, है ना, पेयर का सम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा -250 + 138, तो मैंने आपको रूल बता ही दिया है कि माइनस और प्लस क्या होता है, हमारा माइनस हो जाता है। ठीक। यहाँ पे मतलब माइनस होगा और जो बड़े वाले नंबर पे साइन है वही साइन लग जाएगा। माइनस कर देते हैं हम बड़े वाले नंबर से छोटे नंबर को, 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, कैरी लेकर 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस हुआ तो 2, ये 4 बच गया, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, और ये 2 बचा है, 2 का 2 ही रहेगा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, यानी कि 112 आ गया। बड़े वाले नंबर पे माइनस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा, यानी इन दोनों का जो सम निकलेगा वो माइनस 112 निकलेगा। उसी तरीके से हम दूसरे जो पेयर दिया हुआ उसका सम निकाल देंगे, सम ऑफ 136 एंड -272, इन दोनों का पहले हम सम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 136 प्लस और यहाँ पे -272। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे प्लस और माइनस है, मैंने आपको बताया था ना वो रूल बार बार काम आता है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का सिंबल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 136 -272। क्लियर। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमको माइनस करना है, ये वाला नंबर प्लस में है, ये वाला जो नंबर आया वो हमारा माइनस में आ गया, तो अब अपने को इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे और जो बड़े नंबर पे सिंबल है यानी माइनस का, तो हमारे आंसर में भी माइनस का सिंबल लग जाएगा। यहाँ पे माइनस सिंबल पहले लगा लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं बड़े नंबर में माइनस का सिंबल है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर को, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो कैरी लेकर 12 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस हुआ तो हमारा 6 आ गया आंसर। उसी तरीके से जब 6 बचा है, 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3, और 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1। क्लियर। तो ये हमारा आ गया आंसर 136 जो कि है माइनस में। ठीक। तो अब अपने को बोला क्या था कि इसके सम से है ना अपने को सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला सम को। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि कौन से में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको आना चाहिए। यहाँ पे अपने को साफ साफ बोला था, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना, यानी इसका जो सम निकलेगा उसको आपको माइनस करना है इसके सम से, यानी इसको आप पहले लिखिएगा उसके बाद इसको लिखिएगा। ठीक। चलिए हम लिख देते हैं, नाउ सब्ट्रैक्ट द सम्स ऑफ बोथ पेयर, यानी दोनों पेयर्स के अपने को सम को अब सब्ट्रैक्ट करना है। हम जानते हैं पहले 136 वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -136 है हमारा आंसर, उसमें से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है कितना को, -112 को, तो -112 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्लियर। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब ये हम जानते हैं माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये -136 लिखा जाएगा और ये +112। अब यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है जानते हैं, अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा वो बड़े वाले नंबर पे जो साइन है वही लग जाएगा। तो बड़े वाले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आंसर में लगेगा। 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, यानी कि -24 हमारा आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया है, फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड -47 सब्ट्रैक्ट माइनस
84, यानी कि यहाँ पे आपको इनका सम निकाल लेना है और उसमें से माइनस करना है 84 को। यहाँ पे अपने को इन दोनों का सम निकालना था, ठीक है, और फिर क्या करना था, इसके वाले से इसको माइनस करना था। यहाँ भी इसमें इस नंबर में से इन दोनों के सम को माइनस करना था, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है, फ्रॉम द सम ऑफ इतना, यानी इनका जो सम निकलेगा ना उसमें से माइनस करना है आपको इसको, यानी पहले इन दोनों को आप प्लस कर लीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा इसका उसको पहले लिखिएगा और माइनस करके -84 लिखिएगा, तब आपका आंसर सही आएगा। क्लियर, यानी इन दोनों, ये जो फ्रॉम वाला लिखा रहता है ना, ये थोड़ा सा कभी बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है, तो अब कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए अच्छे से। फ्रॉम मतलब होता है से, यानी उसमें से, तो फ्रॉम द सम ऑफ, यानी कि इनके सम में से हट माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए इतना को, यानी इसका जो सम निकलेगा उसमें से आपको -84 को माइनस करना है। क्लियर, तो इसका जो भी सम निकलेगा उसको आप पहले लिखिएगा, ठीक है, इस टाइप से। मान लीजिए इसका कोई भी सम निकलता है तो मैं बस यहाँ पे सम लिख देता हूँ, उसके बाद आपको माइनस करना है उसमें से, ठीक है, कितना, -84। तो इस टाइप से आप लास्ट में इक्वेशन लिखिएगा। मेन बच्चों को दिक्कत कहाँ पर होता है, यहीं पर दिक्कत होता है कि उसको -84 को पहले लिखना है या पहले इन दोनों के सम को लिखना है। तो पहले यहाँ पर हमको इन दोनों के सम को लिखना है, क्यों लिखना है वो भी मैं आपको बता दिया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। एड -36 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68, यानी कि इनका पहले डिफरेंस आपको निकाल लेना है और जो आंसर आएगा ना इनके डिफरेंस का उसमें आपको -36 ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलिए फिर थोड़ा जल्दी इसमें आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। अपने ऊपर जो डिफरेंस निकालना है तो हम लिख लेंगे डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68, तो इक्वल टू हो जाएगा ये -8 माइनस और यहाँ पे फिर -68, यानी कि पहले से माइनस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे माइनस ना लिखिए, अपने को डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस का सिंबल लगाना है। क्लियर, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये -8 है ना, सॉरी ये -8 का -8 रहेगा और यहाँ पे माइनस और माइनस +68 हो जाएगा। क्लियर, तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में 60 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाता है, लेकिन बड़े वाले नंबर पे प्लस का सिंबल है इसलिए यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा, यानी कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब वहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये हमारा डिफरेंस निकल गया -8 और -68 का, जो कि है 60। क्लियर, अब अपने को क्या करना है, उसमें ऐड करना है -38, -36, तो नाउ ऐड -36 फ्रॉम, है ना, इन द डिफरेंस, इस ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, तो ये 60 प्लस करना है अपने को उसमें, कितना, -66, 36 प्लस करना है, तो प्लस कर देते हैं हम, तो हम जानते हैं प्लस और ये माइनस क्या हो जाता है, माइनस बन जाता है, तो ये हो जाएगा 60 -36। 60 में से 36 माइनस करेंगे हम, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4, ये 5 बचा, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2, यानी 24 आ गया हमारा आंसर, और बड़े वाले नंबर पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 24 आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी टाइप से आपको ये जो 2 से लेके 5 तक जितने क्वेश्चन थे इसी टाइप से आपको सॉल्व करना था। क्लियर, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर बी में दिया था हमारा, एक्सरसाइज 4B में दिया था ना क्वेश्चन नंबर 9 में सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे यहाँ पे एक्सरसाइज 4C के 6 नंबर में दिया है। अगर देखिए, अगर आप अब ये वाला रूल जो बुक में रूल दिया था, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो को बताया था, उस रूल से अगर आप इसको सॉल्व करते तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता है, लेकिन जब हम सिंपल रूल सीख चुके हैं अब, है ना, और आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप इस रूल को सीख जाइएगा, तो अब इस रूल के हिसाब से हम सिंपली तरीके से इनको सॉल्व कर देते हैं। चलिए मैं एक बार कोई सभी नंबर को सॉल्व कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को सॉल्व करता हूँ, बहुत आसानी से हो जाएगा कोई सभी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है उसमें अपने को नंबर दिया है 37 -8, फिर ब्रैकेट बंद, और प्लस करना है अपने को 11 -30। क्लियर, ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, हम जानते ही हैं कि ये वाला ब्रैकेट मान लीजिए पहले सॉल्व करते हैं हम, तो ये 37 और 37 रहने देंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, हम सीख चुके हैं, तो ये प्लस लिख देंगे हम यहाँ पे और ये एड कर देंगे। क्लियर, उसी टाइप से ये प्लस का सिंबल लगा देंगे, 11 और ये 30 है, 11 में तो कुछ नहीं, 11 को 11 रहने देते हैं, यहाँ पे माइनस और माइनस दो बार आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 30। क्लियर, तो इस टाइप से आपको इसको लिख लेना है पहले। अब आते हैं हम, देखिए अब इजी हो गया पूरा, बस ऐड करने के लिए बच गया, हमने वो रूल फॉलो किया इसलिए हमारा पूरा एकदम ईजी हो गया काम। और यहाँ 37 में हम 84 ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगा हमारा आंसर, उसी तरीके से इधर ऐड कर देंगे हम 11 और 30 तो हमारा हो जाएगा 41, और इन दोनों जब आप ऐड कीजिएगा तो 41 5 और 1 6, 41
86 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से इजी तरीके से आपको इसका जो सेकंड वाला है उसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा है 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी टाइप से है। फाइंड, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, एंड इतना आर दे इक्वल, मतलब इन दोनों को पहले आपको सॉल्व कर लेना है और आपको बताना है कि क्या वो इक्वल हैं, है ना। तो बस अगर हैं तो आप इनको जब सॉल्व कीजिएगा तो अगर वो इक्वल रहेंगे तो बस आपको लिख देना यस दे आर इक्वल, और अगर इक्वल नहीं निकलता आपका आंसर तो नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। सेम जो हमने है ना सिंपल टाइप से जो सॉल्व किया ना वही यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। 34 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 34 में आपको प्लस करना पड़ेगा 72, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो क्या में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये साफ दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं निकलेगा, क्लियर। तो सॉल्व करना है आपको सिंपल तरीके से और आपको बता देना है कि इक्वल है कि नहीं है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं हम, है ना। 8 और 9 जो है सेम टाइप से है, एक इसमें से क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, पर हम दोनों क्वेश्चन को लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन 8 वाला, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -13 इफ वन ऑफ द नंबर इज 170 फाइंड द अदर, यानी दो नंबर्स हैं उसमें उनको आपस में जोड़ने के बाद हमारे पास आंसर जो आता है -13 आता है, और एक नंबर अपने को दिया हुआ है दूसरा फाइंड करना है। बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, उसी टाइप से सेम 9 वाला भी है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65, उनमें से दो नंबर का मतलब ऐड करने के बाद 65 आ रहा है आंसर, और उनमें से एक जो है -47 है, तो फाइंड द अदर। चलिए मैं 9 वाला ही बता देता हूँ, कहीं बहुत लोगों को लगता है कि जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हो सकता है कि हो इसमें से है ना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट ही हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कोई सही बना सकते हैं। इसके अलावा भी कहीं से भी क्वेश्चन है अगर बाहर से तो भी आप बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, मैं 9 वाला को सॉल्व करके बताता हूँ। तो आपको मान लेना है कि जो दूसरा नंबर है वो x है, तो आप स्टेटमेंट के लिखेंगे लेट द अदर नंबर बी x, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो x है, देन तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने को नंबर दिया हुआ है सेम हम क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेंगे कि हमने क्या दिया हुआ है कि -47, और जो दूसरा नंबर है उसको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, 65 आता है, क्लियर। यही हमको दिया हुआ है कि दो नंबर्स हैं उनको ऐड करने के बाद 65 आता है, उनमें से एक नंबर अपने को दिया हुआ है दूसरा वाले को हम एक्स मान लिए हैं, ठीक है। अब इसी टाइप से आपको इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, एक्स को इधर ही रहने देते हैं, हम जानते हैं ना हम जब बहुत सारे पीछे जो एक्स से लेना पड़ा है चैप्टर 3 पढ़ा है, चैप्टर 2 उसमें वो मैंने ट्रांसफ़र का एक रूल बताया था कि हम जिसका भी जिसका जब हमको एक्स का जब हमको पता करना रहता है कि कितना उसका वैल्यू है तो दूसरे वाला नंबर को एक साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस वाले नंबर को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका भी रूल क्या है कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 65, और ये नंबर अभी इधर क्या में है, माइनस में है, ठीक है, -47 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये +47 हो जाएगा। अगर इधर ये डिवाइड में रहता है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है, इधर अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो इधर आके डिवाइड में होता है, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक। तो इस टाइप से आपको इसको पहले तो लिख लेना है, तो ये -47 इधर जाके +47 हो गया, तो x इक्वल टू 65 +47, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 5 और 7 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 और 1 5 और 6 हमारा हो गया 11, यानी x जो है हमारा 112 है, क्लियर। इसी टाइप को आपको दूसरे वाले को भी x मान लेना है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी आप एक नंबर को x मान लीजिए, उन दोनों को ऐड कीजिए और जो हमको आंसर दिया हुआ है वो इक्वल में लिख लीजिए, और जो फिर जो दूसरा नंबर दिया हुआ है ना उसको फिर इस साइड ट्रांसफ़र कीजिए, और इसी टाइप से आपका आंसर उसमें भी आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पे यहाँ पे आंसर निकल गया x इक्वल टू 112, तो आप इसमें लिख भी सकते हैं लास्ट में, सो द अदर नंबर इज 112, यानी जो दूसरा नंबर है वो हमारा 112 है, इस टाइप से आप स्टेटमेंट भी लिख करके बता सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है ट्रू और फॉल्स। तो पहला जो ट्रू फॉल्स उसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी जब दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा एक इंटीजर आता है। तो हाँ ये तो सही बात है कि जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा एक इंटीजर ही आता है। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। तो जब आप दो नंबर को अभी ऐड करेंगे तो वो एक नंबर ही आंसर आएगा, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, तो उसको हम इंटीजर ही कहेंगे, तो ये इसलिए ट्रू है, ठीक। दूसरा है,
डिफरेंस ऑफ टू इंटेजर इज ऑलवेज एन इंटेजर, यानी जब दो इंटेजर को हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा आंसर वो इंटेजर ही आता है। तो ये भी सही बात है, चाहे प्लस में इंटेजर आए चाहे माइनस में नंबर आए, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेजर कहते हैं। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस निकालें किसी भी नंबर का तो या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, तो उसको हम इंटेजर ही कहेंगे। इसलिए हमेशा जब डिफरेंस निकालते हैं टू इंटेजर तो हमेशा एक इंटेजर ही होता है। क्लियर बातें हैं, मतलब ये भी ट्रू था ये भी ट्रू था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में मैं बोल रहा है -14 जो है वो ग्रेटर है -8 और -7 से, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो ये -8 हो जाएगा है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो अभी हम जानते हैं कि माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी 8 में से 7 माइनस हुआ तो 1 आ जाएगा, और ये बड़े वाले नंबर पे माइनस का सिंबल है तो -1 आएगा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत है, माइनस जो 14 है वो तो छोटा है -1 से। हम जानते ही हैं कि जब हम माइनस में जाते हैं तो 0 के बाद जितने भी बगल में जितना नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा, यानी -1 सबसे बड़ा है निगेटिव वाला, फिर -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, और -14 तो बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 जो है वो बड़ा है, इसलिए इस साइड वाले नंबर्स जो थे वो बड़े थे, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जो इधर बड़ा दे दिया -14 को, ये गलत है। अगर ये ऐसे दिया रहता तब ये ट्रू रहता। ठीक, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 4 नंबर में -5 -2 जो होगा इक्वल, सॉरी बड़ा होगा -8 से, तो माइनस और -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बड़े वाला नंबर 5 में माइनस का सिंबल है तो आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 -5 7 हो जाएगा, और -7 हो जाएगा क्योंकि बड़े नंबर में माइनस है। तो जो -7 है वो -8 से बड़ा है, तो हम जानते ही हैं कि जो कम रहता है माइनस में वो ज़्यादा बड़ा रहता है, ये हम पढ़ चुके हैं नंबर लाइन वाले चैप्टर एक्सरसाइज में। तो ये -7 बड़ा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सही है। उसी टाइप से ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 5, -7 -3 और ये माइनस माइनस, तो इसको आप खुद सॉल्व करके मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ए इज़ ऑन ए माउंटेन विच इज़ 4700 मीटर अबव द सी लेवल, यानी ये सी लेवल है, यानी यहाँ पे समुद्र है हमारा, और ये जो हमको दिखा रहा है ना चोटी ना पहाड़ की जो चोटी है, पीक है जो माउंटेन की, इसी को पॉइंट ए कह रहा है। ठीक है, तो इसको बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना दूर है, 5700 मीटर दूर है ये सी लेवल से। ये जो पॉइंट है वो 5700 मीटर अबव में ऊपर की तरफ दूर है। ठीक है, एंड द पॉइंट बी इज़ इन ए माइन विच इज़ 39600 मीटर बिलो सी लेवल, यानी जो पॉइंट बी है ये वाला, ये समुद्र से नीचे में है। कितना नीचे है, डेप्थ में कितना है, 39600 मीटर है। ठीक है, सी लेवल के, और नीचे है ना, याद रखिएगा ये बिलो में है। ठीक है, तो जब हम जानते हैं जो है ना अबव रहता है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, और जो नीचे रहता है बिलो में होता है उसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, यानी इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो अब अपने से पूछ रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वर्टिकल का मतलब होता है कि ऐसे सीधा सीधा दूरी है ना, सीधा सीधा दूरी जो होगा वो कितना दूर होगा ए और बी का। ठीक है, यानी कि ए नहीं, कि आपको ऐसे नहीं पता करना है कि यहाँ तिरछा ऐसे कितना दूर है, वर्टिकल यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी सीधाई, यानी यहाँ पर पॉइंट से लेंगे हम, और यहाँ से यहाँ पॉइंट बी तक जो बिंदु है इस वाले से यहाँ तक कितना दूर है। ठीक है, दोनों की दूरी आपको बतानी है। ठीक, तो चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। तो इस टाइप से हमने स्टेटमेंट लिख लेना है, पहले पॉइंट ए इज़ ऑन अबव द सी लेवल इक्वल टू 5700 मीटर, और ये अबव में था इसलिए प्लस में रहेगा, और पॉइंट बी इज़ ऑन बिलो द सी लेवल क्योंकि ये बिलो में है, नीचे में है, तो उसको हम क्या लेते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं, इसलिए -39600 मीटर। क्लियर हो गया। अब हम क्या करना है, अपने को टोटल इनके है ना वर्टिकल डिस्टेंस अपने को पता करना है दोनों के बीच का। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा इनका, इसलिए बताता हूँ मैं, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर हम क्या जानते हैं कि अगर अपने को
यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है, तो अगर हमको टोटल दूरी पता करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाली दूरी को और इस वाली दूरी को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास -30 है ना, माइनस में नंबर है, तो अगर हम इसमें इसको अगर हम ऐड करते हैं, देखिए इस टाइप से अगर हम ऐड करना चाहें, कितना है हमारे पास, 5700 है, इसको अगर हम ऐड करते हैं -3960 में, तो ये हमारा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं दूरी, अपने क्या करना है इसको प्लस करके बताना पड़ेगा ना कि कितना दूर में है। तो कब हम प्लस कब होगा, इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे ना, सबट्रैक्ट करेंगे, तब ये प्लस होगा। कैसे, इस टाइप से, ये हमारा ये 5700, इसमें हम माइनस कर देंगे -3960 मीटर्स को, ठीक है, तो ये हमारा फिर अपने को फाइंड हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो कितने दूरी में है। शायद मेरा पेन खत्म हो गया, चलिए पेंसिल से मैं बता देता हूँ। ये अब देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, अब ये प्लस हो रहा है, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 5700 +3960, क्लियर, और ये मीटर में आएगा हमारा आंसर, ठीक। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा निकल गया 000, ये 000, 6 और 7 हमारा 13 का 3, कैरी हो गया 1, 9 और 1 10 और 5 15 का 5, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, यानी जो टोटल डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी का वो 45,300 मीटर्स है। अब समझिए आप, है ना, इसके हम यहाँ पे माइनस हमें क्यों करना पड़ रहा है, कि जो दूसरा नंबर है वो माइनस में है, अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं इन दोनों को तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है इस तरीके से, तो हमारा आंसर गलत आ जाता है। अपने को तो लास्ट में प्लस लाना था, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे, ताकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाए और हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाए, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ बुक में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया अपने को, ऑन ए डे इन श्रीनगर द टेम्परेचर एट 6 PM, 6 PM में टेम्परेचर किसी दिन, श्रीनगर यानी कहाँ है, कश्मीर में, है ना, और वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो वहाँ जो टेम्परेचर था सुबह के टाइम पे, सॉरी शाम के टाइम पे 6 PM यानी शाम के 6 बजे, वो 1 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। बट एट मिड नाइट, मिड नाइट यानी कि रात के 12 बजे को हम मिड नाइट कहते हैं, लेकिन रात के 12 बजे क्या हो गया, दैट डे इट ड्रॉप टू -4 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर था कितना हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अपने से पूछ रहा है बाई हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल, तो टेम्परेचर कितना डिग्री गिर गया, तो स्टेटमेंट आप यहीं से लिख दीजिएगा, टेम्परेचर एट 6 PM इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, और फिर है ना ड्रॉप एट मिड नाइट इक्वल टू -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टाइप से दो स्टेटमेंट लिखिएगा पहले आप, फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, है ना, डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल इक्वल टू करके आप यहाँ से, मतलब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल इक्वल टू करके आप क्या कीजिएगा, 1 में से हम माइनस कर देंगे -4 को, तो 1 माइनस -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। अच्छा रुकिए 1 सेकेंड, नहीं, यहाँ पे अपने को क्या था, रात वाली ड्रॉप जो अपने को जो ड्रॉप हो गया है ना, इसलिए हम पहले -4 को करेंगे, -4 से हम 1 को माइनस करेंगे, तो -4 -1 करेंगे, बात एक ही आएगा हमारा आंसर। लेकिन आपको थोड़ा समझाता हूँ कि यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जब हमारे पास जब कभी भी ड्रॉप होता है ना, तो जो लास्ट में है, ठीक है ना, जो टेम्परेचर हमारे पास लास्ट में है उसमें से हम माइनस करते हैं पहले वाले टेम्परेचर को, तो हमारे पास लास्ट में टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें से हम माइनस करेंगे पहले वाले टेम्परेचर यानी कि 1 को, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये -5 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर नहीं बता रहा है ना, ये क्या है, माइनस किस चीज़ को बताता है, तो आप लिख दीजिएगा स्टेटमेंट एक तो कि माइनस डिनोट, माइनस अपने को दिखाता है फॉल, यानी कि जो फॉल हुआ है ना, माइनस डिनोट्स फॉल इन ऑफ टेम्परेचर, या फॉल ऑफ टेम्परेचर, यानी जो माइनस है वो फॉल इन को दिखाता है टेम्परेचर का, यानी कि जो जो -5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, वो कम हो गया, यानी कि वो टेम्परेचर जो था, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, -5 डिग्री में माइनस का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, कि वो जो टेम्परेचर है वो फॉल हुआ है, कम हुआ है ना, गिरा है टेम्परेचर, और अगर यहाँ पे प्लस में आता 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर 5 डिग्री ज़्यादा बढ़ गया है, 5 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ गया है। यहाँ पे माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस जो है वो फॉल को बता रहा है, यानी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। तो फिर आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखिएगा, सो द टेम्परेचर फॉलन
5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो था वो गिर गया, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करके बताना था, है ना। यहाँ पे -5 जो था उसको मैं आपको क्लियर कर दिया कि आपको यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस आंसर नहीं लिखना है, आपको 5 डिग्री सेल्सियस लिखना है। और क्यों लिखना है, क्योंकि माइनस का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि टेम्परेचर गिर रहा है। क्लियर, आपने सही पूछा था ना कि टेम्परेचर कितना गिरा, तो यहाँ पे -5 है। अगर यहाँ पे हमारा +5 आ जाता ना तो हमारा तो आंसर ही गलत हो जाता, क्योंकि +5 का मतलब होता है कि टेम्परेचर गिर नहीं रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, फॉल नहीं हो रहा है, वो और ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉल हुआ, यानी टेम्परेचर गिर गया ना, माइनस का मतलब है टेम्परेचर गिर गया। और कितना डिग्री गिर गया, 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया। तो आप लास्ट में ट्वेंट कीजिएगा, सो द टेम्परेचर फॉल 5 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेप से हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है एक्सरसाइज। अगर आप बाकी वीडियोस अगर नहीं देखे हैं, है ना, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जैसे एक्सरसाइज 4A 4B का अगर आपने नहीं सीखा है कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है 4C वाले में। इसलिए आप पहले उनको उस वीडियोज़ को देख लीजिए, है ना। देखने के लिए आप जाते हैं या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर आपको पूरे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं पूरे वीडियोज़ को और पूरे सॉल्यूशन में स्टेप बाई स्टेप सभी लगभग सभी क्वेश्चन का बताया है मैंने। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज 4D के बारे में दे जानेंगे, जहाँ पे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। पूरा ये चैप्टर उसी टाइप से हमारा एकदम, बस आपको अगर बेसिक आपको नॉलेज पता चल जाए इंटीजर्स का, तो आप पूरा इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।